था एक हिप्पो। कुछ जानवर घुमक्कड़ होते हैं और कुछ आलसी होते हैं। लेकिन हिप्पो यानी दरियाई घोड़े बहुत ही आलसी होते हैं। लेकिन मैं नहीं। हेलो, मैं युबटा हूँ, या कहो युबट। ये एक लंबी कहानी है। मेरा जन्म दक्षिण अफ्रीका में जुलूलैंड के पास हुआ था। बचपन से ही मुझे घूमने का बड़ा शौक था। बड़ी होने पर मैं अकेले ही घूमने निकल पड़ी। सबसे पहले मैं ब्लैक उम्फलोजी नदी में तैरी, फिर मैं पहुंची डरबन के समुद्र तट पर, जहां मैं नहाई। फिर मैंने एक शांतिपूर्ण बगीचे में ध्यान किया और आगे की यात्रा की तैयारी भी की। चलते चलते मैं बहुत थक गई और एक खतरनाक जगह सो गई। एक इंसान ने मुझे सही समय पर जगाकर मेरी जान बचाई। जब मैं उंजनी नदी से लंदन पहुंची, मुझे पता चला कि मैं बहुत लोकप्रिय हो गई हूँ। सबको मेरी यात्रा के बारे में पता था और वो बहुत प्रभावित थे। पता है, मैंने 3 साल से भी ज्यादा समय तक दुनिया के विभिन्न हिस्सों में यात्रा की। मैंने 122 नदियों को भी पार किया। वुहू! लंदन में मुझे रॉयल गेम घोषित किया गया। मनुष्य ने मान लिया था कि मैं नर हूँ, बाद में उन्हें पता चला मैं तो मादा हूँ। इस तरह मेरा नाम यूबर्ट से यूबटा पड़ गया। आप मुझसे दक्षिण अफ्रीका के एमेथॉल संग्रहालय में मिल सकते हैं। यहाँ मेरे जैसे कई जानवरों की उपलब्धियाँ सम्मानित की गई है।